नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एग्जाम 31 मई 2020 को हो पाएगा कि नहीं, ये वाली चीज डिसाइड की जाएगी 3 मई 2020 के बाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उनके आप ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में जाके देख सकते हैं, आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये कि 3 मई के बाद रीशेड्यूल करी जाएंगी यूपीएससी और एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, जिनकी डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई है, जो अभी लेटेस्ट मई या जून में होनी है। ठीक है, तो इसके बारे में जितनी भी जो है गलतफहमी, कई लोग बोल रहे हैं कि एकदम जो है कैंसिल कर दी गई है या फिर बहुत ज़्यादा पोस्टपोन कर दी गई, ये सारी चीज़ें गलत हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जो है अकाउंट है, आप जाके देख सकते हैं ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में, उसमें उन्होंने बताया है कि 3 मई के बाद एक्चुअली ये डिसाइड हो पाएगा कि रीशेड्यूल करना है तो कितने दिन के लिए करना है। ठीक है, और उसमें उन्होंने बोला है कि इनफ टाइम दिया जाएगा यूपीएससी और एसएससी एस्पिरेंट को ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो अभी भी ये संशय बना हुआ है कि कितना जो है पोस्टपोन हो सकता है और 31 मई को होगी कि नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है अभी तक। ठीक है, तो जो भी चीजें होंगी वो सब 3 मई के बाद डिसाइड हो सकती हैं, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। लगातार तैयारी करते रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हम आपको लगातार चीजें दे रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर पूरा ला दिया है आपके लिए, लगातार वीडियोस दे दिए हैं, 40 वीडियोस की पूरी सीरीज है, उसके पापा वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लस फरवरी मार्च और अप्रैल का भी जो है लेटेस्ट आपको जो है मई के मिड तक आपको सारी चीजें कवर कर दी जाएंगी। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।